प्रिय साथियों, आपने इंग्लिश सीखने या सिखाने के क्रम में यह अनुभव किया होगा कि वह कौन सा तरीका है जिससे हम इंग्लिश को पढ़ना, बोलना व सही सही लिखना आसानी से सीख पाएं। आज आपकी इसी समस्या का समाधान लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने में पूरी कोशिश की होगी, फिर भी यह पाया होगा कि कभी कभी बच्चे हमारी पूरी मेहनत के बाद भी इंग्लिश उस लेवल तक नहीं सीख पाते हैं। तो आपको भी यही तरीका अपनाना होगा कि सबसे पहले आप बच्चों को बुक रीडिंग ना कराकर केवल वर्ड पावर बढ़ाने की दिशा में काम करें। अल्फाबेट 2-3 लेटर्स वर्ड साइड वर्ड्स के बाद बारी आती है वर्ब की। किसी भी सेंटेंस की कल्पना हम बिना वर्ब के नहीं कर सकते, इसलिए इम्पॉर्टेंट व कॉमन वर्ब्स का ज्ञान बच्चों को इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा मददगार होगा। आपकी सुविधा के लिए आज मैं कुछ व्यवहारिक व सार्वधिक प्रयोग होने वाली वर्ब व उनकी फॉर्म लेकर आया हूँ, जिनका ज्ञान होना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा।